बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टू टी वी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हकला DI खान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मोटरवे जा रही है इस्लामाबाद से पिशावर की तरफ, वहां पे हम मौजूद हैं। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है CPAC कॉरिडोर का मगरबी रूट का ये हिस्सा है। 292 किलोमीटर तवील रोड है जो यहाँ हकला से लेकर डेर इस्माइल खान तक बन रहा है और इस वक्त इस पे काम जो है बहुत तेज़ी के साथ जारी है और एक तरह से काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे हकला इंटरचेंज पे इस वक्त जो काम हो रहा है उस हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं नीचे हमारा ये जो हकला इंटरचेंज के साथ यहाँ पुल जो है ये जो ज़ेर तामीर है और ये ऊपर आपको नज़र आएगा गाड़ी जो है वो इस वक्त ग्रेडर लगा हुआ है, काम हो रहा है। ये इस वक्त नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक नाला है जो इस वक्त हकला इंटरचेंज के करीब जो इसको लिंक कर रहा है जो DI खान के साथ जो रोड है मोटरवे से हट के। तो इस वक्त यहाँ पे पानी के पाइप भी आपको उधर नज़र आएंगे और वो पानी के पाइप आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जो पानी का नाला है इससे पानी की निकासी का जो इंतज़ाम है ये किया जाएगा। मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं कि इंटरचेंज पे इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये मोटरवे है जो पिशावर की तरफ जा रही है इस्लामाबाद से। ये इंटरचेंज यहाँ पे इस वक्त ज़ेर तामीर है और इस वक्त जो मोटरवे के साथ इस्लामाबाद पिशावर में मोटरवे जो है उसके साथ लिंक करने के लिए यहाँ पे जो इंटरचेंज बन रहा है उसका ये रास्ता है। और पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि इस वक्त रूलर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस वक्त यहाँ पे जो रोड है ये तामीर किया जाएगा और इसके साथ आगे चल के जो है वो बनाया जाएगा फिर जाके इंटरचेंज। तो ये आप देख सकते हैं रूलर लगा हुआ है, ये काम जो है इस वक्त जारी है बड़ी तेज़ी के साथ। और ये जो मोटरवे का ये ख़ास तौर पे ये जो हकला DI खान CPAC कॉरिडोर का ये हिस्सा है वेस्टर्न रूट का, ये रोड इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि बड़े तवील अरसे से इस इलाके के लोगों का ख़ास तौर पर DI खान से लेकर ये जो हकला तक के यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के तक के जो लोग रोज़ सफ़र करते हैं उनको बड़े मसाइल का सामना था, बड़ा तवील जो सफ़र करना। अब ये अगर रोड तमीर हो जाता है तो इससे सफ़र का दौरान काम ही हो जाएगा और ये जो घंटों पहले सफ़र तय होता था डेरा इस्माइल खान से रावलपिंडी इस्लामाबाद का, तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र जो है वो रह जाएगा। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इंटरचेंज पे काम की क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप इस वक्त हम ये जो लिंक कर रहा है मोटरवे से हकला DI खान मोटरवे को जो रोड, तो उसके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो सड़क है उसकी जो तामीर है उसका काम जो है वो अभी जारी है और यहाँ पे अभी एस्फाल्ट का काम होगा। ये ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेडर लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो मोटरवे के साथ जो पुल है उसके साथ जो मोटरवे के ऊपर से गुजर रहा है वो पुल भी तकरीबन अब तकमील के आखिरी मराहिल में है और यहाँ पे अब एस्फाल्ट का काम इसके बाद होना बाकी है। ये ग्रेडर जो है ये लगे हुए हैं और इस वक्त काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और जिस तरीके से पिछले दिनों ऐलान किया वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद शहीद साहब ने कि ये जो है वो सितंबर में हम इसको खोल देंगे और इस सिलसिले में चेयरमैन NHA ने भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को पिछले दिनों जो इजलास हुआ उसमें ये यकीन दहानी कराई थी। ये जो मोटरवे हकला DI खान ये बड़े तवील अरसे से ताखीर का शिकार था और बाद में जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस पर काम तेज़ किया है और अब ये सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ये देख लें आप इस तरफ दिखाएँ अगर हम आपको, तो यहाँ पे एस्फाल्ट का काम जो है ये अगर रोड के साथ जो एस्फाल्ट का काम रोड के ऊपर जो है हकला DI खान ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पे एक तरफ एस्फाल्ट का काम हो चुका है और रोड का ये जो रोड ये जा रहा है मोटरवे का वो हिस्सा है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये हकला से DI खान की तरफ और दूसरी तरफ
जो डीआई खान से हकला की तरफ जो रोड है ये वाला, यहाँ पे जो ये देखें यहाँ पे भी एस्फाल्ट का काम हो रहा है, साथ साथ थोड़ा बहुत इसके अभी काम बाकी भी है, मुकम्मल तौर पे ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये काम इस साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो है वो इंटरचेंज तक आने के लिए जो ये जो रास्ता है उसको किया मुकम्मल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में ये आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ हैं, जो डंपर हैं, जो यहाँ पे जो रोड़ा वगैरह है वो डाल रही हैं, ये ग्रेडर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो हकला डीआई खान का जो इंटरचेंज है ये बनेगा। ये आप देख सकते हैं रोड़े के ढेर इस वक्त पड़े हुए हैं, ये डंपर आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ से नीचे से उतर के आ रहा है, और इस तरफ ये भी यहाँ पे भी ये तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी अभी जो हैं वो डंपर आप एक और भी डंपर आप आते हुए देख सकते हैं। तो काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन सितंबर की अगरचे हुकूमत ने डेट दी है कि इसको खोलने की, ये आवाम का एक दरीना मुतालबा था जिसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत मसाइल का सामना था हकला से रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो लोग सफ़र करते हैं, या दीगर जो अगर खैबर पख्तूनख्वा से देखें या दीगर इलाकों से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था जो हसन अब्दाल और दीगर इलाकों से डेरा इस्माइल खान की तरफ जो है। तो इस रोड की अहमियत ये भी है कि इससे डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, इसके अलावा फतेह जंग अगर देखें, अटक के जो इलाके हैं उन्हें, और दूसरे जो करक का इलाका है, बन्नू का इलाका है, तो वो तमाम इससे लिंक होंगे और उनका जो सफ़र का दौरानिया है उसमें जो है बड़ी कमी आएगी। तो अगर जो 7-8 घंटे का 10 घंटे का सफ़र पहले तय होता था, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर उस सफ़र का दौरानिया अगर कम होगा और 3-4 घंटे तक आ जाएगा, तो इसे ये बहुत बड़ी लोगों को सहूलत भी होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इससे जनरेट होगी। तो ये आप देख सकते हैं हकला का जो इस वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इस वक्त काम जो है वो जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से वादा किया गया है कि इसको सितंबर तक मुकम्मल किया जाएगा, तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि कोशिश भी की जाएगी, जो जो तामीराती कंपनियाँ जो लगी हुई हैं यहाँ पे, उन्हें कहा गया है कि वो तेज़ी के साथ काम को मुकम्मल करें। तो ये आप नाज़रीन, इस सिलसिले में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे कि इस ये जो हकला डीआई खान मोटरवे है इस पे काम की रफ्तार क्या है। वक्तन फवक्तन इससे पहले भी हम आपको आगाह करते रहे, आइंदा भी हम आपको बताते रहेंगे। आवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है, और हज़ारों जो लाखों अफराद हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें वो मुस्तफ़ीद होंगे हकला डीआई खान जो मोटरवे है इसकी तामीर से। तो अब यहाँ पे जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हकला इंटरचेंज है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पे काम है। इसके अलावा जो दीगर आगे इंटरचेंजेस हैं वो भी मुख्य फतेहजंग इंटरचेंज, वो भी उस पर भी काम तेज़ी के साथ जारी है, कुछ इंटरचेंजेस मुकम्मल भी हो चुके हैं, ख़ास तौर पर पैकेज 1 जो है वो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो काम बाकी है ये अगले जो डेढ़ महीना है इसमें कोशिश की जाएगी कि उसको मुकम्मल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम सीपैक के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं या हकला डीआई खान मोटरवे पे भी जो पेशरफ्त है इसके बारे में आपको आइंदा भी आप आसानी आगाह करते रहें और हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।